शंखनाद है सर्वे का। और स्वागत करता हूँ कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी। एमएच किए हुए करेंगे, इसलिए कोर्ट ने उनके जितने क्या कहते हैं एप्रिहेंशन उसको रिजेक्ट किया है और एएसआई सर्वे का रास्ता साफ किया है। ज्ञान वापी में सर्वे जारी, अब मथुरा की तैयारी। डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। जन्मभूमि पर भी आप चाहेंगे कि इस तरह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ पर सच सामने आए, भगवान जन्मभूमि को लेकर आना चाहिए। अभी इस वक्त अयोध्या में श्री राम अवतार, काशी में खुलेगा शिव द्वार। सत्य सामने आएगा। हमने पहले ही कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय कोर्ट का निर्णय आया है और मेरा तो पूरा विश्वास है कि वहाँ भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर भव्य पुनः बनेगा। वहाँ उन्होंने दोबारा फिर इजाजत दे दी है तो अभी वो जाने किस मसलियत के तहत दिए और उसमें वो क्या चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। जौनपुर बदायूं आगरा बनेंगे सनातन की धारा। मुसलमानों को आगे आकर इस चीज को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन उस शुद्ध रूप से मस्जिद के नाते मस्जिद कह के और जो मंदिर का जो आकार था उसको ध्वस्त किया। मंदिर मस्जिद और जिद। नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। विवाद की कितनी मीनारें हैं और दावों के हिसाब से कितने मंदिर, क्या ज्ञानवापी के बाद मथुरा की बारी है और उसके बाद बदायूं, जौनपुर, आगरा की तैयारी है। देश में मंदिर मस्जिद की जिद वर्षों से चली आ रही है। अयोध्या में भव्य श्रीराम का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो काशी में शिव के द्वार खुलने वाले हैं। दावा है कि ज्ञानवापी के सर्वे से सत्य बाहर आ जाएगा और यहां भी आदि विश्वेश्वर विराजेंगे। ज्ञानवापी में सर्वे के आदेश के बाद मथुरा में श्री कृष्ण के भक्तों की भी आस जग उठी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो ज्ञानवापी केस को आधार बनाकर कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग करेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर की अटाला मस्जिद हो या फिर बदायूं की जामा मस्जिद, यहां पर भी हिंदू पक्ष सर्वे कराने की मांग कर रहा है और ऐसे में सवाल है कि मंदिर मस्जिद विवाद पर फुल स्टॉप कब लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 1856 ऐसे स्थान हैं जहां पर धर्मस्थलों पर विवाद है और उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या 299 के करीब है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उन बड़े शहरों में बड़े धर्मस्थलों की बात करेंगे जहां पर विवाद है। सबसे पहले रिपोर्ट में आपको ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश के बाद अब किस तरह से सर्वे होगा उसको लेकर दिखा दें। मंगल ध्वनि कहलाती है, मंगल वाद्य कहलाता है और धर्म के दृष्टि से शंख की ध्वनि से ज्यादा मंगल कुछ नहीं होता। महादेव की जय जयकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद काशी शिवमय हो चुकी है।
भोले के भक्तों का दावा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओ बहुत सुंदर और यथार्थ आदेश आया है, क्योंकि जहाँ ज्ञान बाबी के मस्जिद कहा जाता है, ज्ञान बाबी का ही त्रिशूल रहता है। हमारे योगी जी अभी कहे थे उनको ज्ञान बाबी मस्जिद का नाम महा पाप है। ज्ञान बाबी मस्जिद नहीं है, मंदिर है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और निश्चित रूप से कई ऐसे साक्ष्य हैं, कई ऐसे प्रमाण है वहाँ पे जो कि ये बता रहे हैं कि ये मंदिर ही था और विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमारे मंदिरों पर हमला किया और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया। इसलिए ये जांच का विषय है, जांच होगा दूध का दूध पानी होगा, आने वाले समय में भव्य और दिव्य बाबा विश्वनाथ का मंदिर होगा यहाँ। नमः पार्वती पताये महादेव की गूंज। और साथ ही ये शंखनाद आप देखिए कि यहाँ पर हिंदू अनुयायी बेहद खुश हैं, उन्हें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि अब ज्ञान बापी का जो सच है वो अब बाहर आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया, वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और बिना खुदाई और नुकसान पहुंचाए ईएसआई सर्वे जारी रखने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा न्याय हित में ईएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। ईएसआई ने कल से सर्वे शुरू कराने के लिए हमसे सहयोग मांगा और उनको जो सहयोग चाहिए वो हम उनको उपलब्ध कराए। 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के ईएसआई सर्वे का आदेश दिया था। ईएसआई सर्वे के आदेश के बाद 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ। करीब 4 घंटे सर्वे चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगा दी। फिर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ईएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी। 2 दिन सुनवाई के बाद 27 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईएसआई सर्वे पर फैसला सुरक्षित रखा और 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है, उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और ये कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए। आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा, और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजूखाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है उसके सर्वे कराने की बात आ गई है। हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि सर्वे से सत्य बाहर आएगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर सच्चाई कह रही हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। काशी में मंदिर मस्जिद का विवाद सर्वे से सुलझेगा या उलझेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हिंदू पक्ष को विश्वास है कि शिव ही सत्य है और सत्य की जीत होकर रहेगी। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। कितने धर्मस्थलों पर सवाल अभी बाकी है।